वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, ये वीडियो आ रही है एक हफ्ते बाद। उसका यही रीज़न है क्योंकि जो मैंने वीडियो सैटरडे को बनाई थी वो वीडियो सेम थी फ्राइडे जैसी, क्योंकि मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे को जो डाइट है वो सेम ही रहता है। तो मैंने इसलिए वो वीडियो अपलोड नहीं करी ताकि आप लोगों को भी ना लगे कि ये तो बार बार एक ही चीज़ दिखा रहा है। सो मैंने एक हफ्ता सोचा इसके बारे में कि अब कैसी वीडियो बनाई जाए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो अलग अलग डाइट है उसके बारे में वीडियो बनाई जाए। तो जो आज की हमारी डाइट होने वाली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एग्स के ऊपर होने वाली है कि हमें कितने एग्स खाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए एंड उससे हमारा प्रोटीन कितना कंजम्पशन पूरा होता है या नहीं हो पाता है। तो लेट्स बिगिन। सो ब्रेकफास्ट में हमने सबसे पहले लिए एग्स, मैंने 4 अंडे लिए एंड मैंने उसका एक ऑमलेट बनाया, साथ में मैंने उसके साथ लिया होल व्हीट ब्रेड। ब्रेकफास्ट में लिए 4 eggs, अगर मैं एक एग में 5 ग्राम प्रोटीन मानूँ तो 5 × 4 = 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमने ले लिया ब्रेकफास्ट में। सो लंच में हमने क्या करा, मैंने 4 अंडे बॉयल करे, उनके साथ मैंने सब्जी ली और कर्ड लिया। उन 4 अंडे जो मैंने बॉयल करे उसमें से मैंने 2 का तो येलो पार्ट निकाल दिया था एंड 2 का अप्रॉक्स खा लिया था। लंच में हमने 4 अंडे लिए दोबारा, प्लस ली सब्जी और कर्ड। 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन हम मान लेते हैं 4 अंडों में क्योंकि येलो पार्ट हटा दिया था, तो 4 × 4 = 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमने लिया है लंच में। तो रात में हमने 4 अंडे लेके उनकी भुर्जी बनाई जिसमें मैंने 2 का येलो निकाल दिया था, 2 का रहने दिया था एंड साथ में हमने 2 बॉल ऑफ दाल ली थी और कर्ड लिया था। डिनर में हमने दोबारा 4 eggs लिए थे, प्लस ली थी दाल और हमने लिया था कर्ड। 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन × 4, 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमने लिया एग से और 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन × 2, क्योंकि 2 बॉल ऑफ दाल लिए थे ये हो गया 40 ग्राम हमने ले लिया दाल से। अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे हो जाएंगे 92 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमने ले लिया आज के दिन। अब इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप मिल्क लेंगे साथ में, मिल्क से आपको अप्रॉक्स 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा पूरे दिन में। साथ में आप ले सकते हैं पीनट्स, आपको जो है 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। तो अगर आप ऐड करेंगे 92 + 30, तो 122 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिल गया है आज के दिन। एंड साथ में अगर आप ले सकते हैं वे प्लस ले लीजिए वे, तो वे का प्लस 20 हो जाएगा, 20 ग्राम्स हो जाएगा 144 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन।